नाउ क्वेश्चन 27 देखिए। अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कॉन्सेप्ट्स इज गिवन बाय, वो कह रहा है एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि किसी भी पर्सन की जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कॉन्सेप्ट्स। अब स्पेटियल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे चीजों को अंडरस्टैंड करना, मतलब कि वो किस तरह से रखी हुई है, उनकी अरेंजमेंट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या कहलाता है, ये स्पेटियल कंसेप्ट्स कहलाते हैं। उनको अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है उसके लिए उसने हमें दे रखा है एबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रूट टी, ये दे रखा है। वेयर टी इज द एज इन ईयर्स एंड टी बिलोंग्स टू, जब टी है वो कहां से बिलोंग करता है, टी बिलोंग्स टू 5,18। Show that the rate of increase of the ability to understand spatial concepts decrease with the age. तो पहले तो हम निकालते हैं rate of change of ability. This A is here ability. तो rate of change of ability क्या आ जाएगा? Rate of change of ability. मतलब rate of change मतलब हम इसका क्या निकालना है? इसका derivative निकालना है. That is dA over dt. इसको first मानो और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो गया यहां पे, डी ए ओवर डी टी और 1/√t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√t, यानी ये हो गया 1/6 और t को ऊपर ले जाओगे तो पावर -1/2। आप कह देंगे कि dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है वो 1/2√x होता है। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। मतलब फंक्शन ये है आपके पास, अब फंक्शन ये है, दिस इज fx, ये फंक्शन ये है, ये फंक्शन नहीं है। वो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज, जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो dA ओवर dt है। और कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो वो आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। मतलब अब जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर लेना है, दिस इज द फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कर दो, फिर से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो गया d2a ओवर dt स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया 1/6, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2। तो यहां पे आ गया माइनस, इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 3/2। इसे आप लिख सकते हो आपका t इंटू रूट टी। अब क्योंकि यहां नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये लेस देन जीरो होगा, मतलब अगर हमारा f(x) लेस देन जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग। मतलब हम कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेटियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेटियल कंसेप्ट्स डिक्रीज विद टाइम, वो क्या है आपका, टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो आपको कंसेप्ट यही समझना है कि जो ए है आपका वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन है रेट ऑफ चेंज। तो इसके डेरिवेटिव को लेस देन या ग्रेटर देन जीरो दिखाएंगे तो हम यहां पे कह पाएंगे कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विद एज।